सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया जल संस्थान को, इनकी एक लंबे समय की वेतन और ठेकेदारों की मजदूरी का भुगतान आदि लंबित था, तो उसमें अभी सरकार ने 2 दिन पहले 3 करोड़ रुपए इनको दिए हैं कि आप जो बकाया सैलरी के हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स के हैं पेमेंट का, उनको आप पेमेंट करके और काम आगे बढ़ाइए। दूसरा, कुछ छोटे मोटे रिपेयर्स के लिए जो बांदा शहर में पैसा मांगा गया था उस पर 88 लाख रुपये अलग से इनको रिलीज़ किए गए हैं, वो पैसा इनको दे दिया गया। तीसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंटेक वेल और ये WTP का जो कैंपस है, यहाँ पे 3 WTP हैं, ये देखने के बाद और जो रॉ वाटर मेन यहाँ पे आ रहा है और जो फिर ट्रीटेड वाटर मेन यहाँ से बाहर जा रहा है, पानी का आज सच कोई कमी नहीं है और अभी नदी में भी पानी पर्याप्त उपलब्ध है और नदी से WTP तक लाने की व्यवस्था में भी पर्याप्त पाइपलाइन और पंप्स हैं। उसी तरह ट्रीटेड वाटर को शहर में ले जाने के लिए भी पर्याप्त पाइप है। आज आपने देखा होगा एक पाइप लीक पड़ा हुआ है, बट 2 पाइप उसके अलावा और वहाँ से जा रहे हैं और ये लीकेज भी आज शाम तक ठीक करने की बात हो रही है। तो कुल मिला जुला कर स्थिति यह है कि पानी लाकर यहाँ WTP तक और ट्रीट करने का जो बांदा की रिक्वायरमेंट 26 MLD की है उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो एक बेहतर व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है और उसके लिए ज़रूरी है कि ये लोग रात दिन जब भी बिजली अवेलेबल हो, जब भी समय हो, तब CWR यहाँ का भर के रखें, WTP चला के रखें, CWR भर के रखें, फिर उसी तरह जो शहर में CWR हैं और टैंक हैं उनको लगातार भर के रखें ताकि लोगों को पानी पर्याप्त मात्रा में और पूरी सहूलियत के साथ मिल सके। ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर बने हुए हैं ये आज नहीं बने, ये पहले से ही बने हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या यहाँ तक पानी लाने के लिए जो भी फिल्टर में डाला जाता है ये 1 दिन या 2 दिन में काम नहीं होता है। आपने देखा होगा ये 3 जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए हैं इनको बनाने में कुछ साल लगे होंगे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया गया है वो पर्याप्त है, मतलब ऐसा कोई काम अभी करने की ज़रूरत नहीं है जो कि कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट खोजता, मतलब रोज़ के संचालन की व्यवस्था के लिए तो अधिकारी हैं और उनके साथ लगे हुए लोग हैं, तो रोज़ के संचालन की व्यवस्था को दुरुस्त करना ये रोज़ का काम है, मतलब उसमें कोई ऐसा लंबा जेस्टेशन का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का कोई काम नहीं है। तो मैं वही इन लोगों का रिव्यू कर रहा हूँ कि कैसे ये सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि ये सुनिश्चित इनको करना है और उसमें कोई ऐसा गैप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप नहीं है जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा। जब हम 26 MLD पानी यहाँ बना सकते हैं और शहर तक पहुँचा सकते हैं, तो अगर उतना पानी सभी लोगों को वितरित कर दिया जाए तो हर आदमी को 135 लीटर पानी रोज़ मिलेगा। 2 लाख की आबादी पे आप देखेंगे वो तो वो पर्याप्त पानी है, वो कोई कम पानी नहीं है। मैंने अखबार में उस समय भी देखा था जब ये निकला था और फिर उसको DM वगैरह जाकर उसको शायद ख़त्म कराए थे, वो ज्ञापन देकर उन्होंने ख़त्म किया था, बट वो मैं रिव्यू कर रहा हूँ उनसे कि जो भी इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं जा रहा है वहाँ अगर कोई एडिशनल पाइपलाइन डालनी है, कोई पंप लगाना है, कोई CWR या ओवरहेड टैंक बनाना है तो उसको तुरंत व्यवस्था उसकी की जाएगी। बट जैसा कि आपने कहा कि अगर आप एक ओवर टैंक बनाने निकलेंगे तो उसका असली फ़ायदा तो फिर आने वाले कुछ महीनों के बाद ही मिल पाएगा, लेकिन इस गर्मी में जो अभी आपके 2-2.5 महीने शेष हैं उसमें हम लोग जो अभी मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा पानी लोगों को दे सकते हैं और उनकी दिक्कत को दूर कर सकते हैं, उस पर अभी हम लोग पहला फोकस करके काम कर रहे हैं। सब जिस घर हैं जो इन लोगों ने बताया कि 21,000-22,000 घरों के पानी कनेक्शन हो चुके हैं, जो 4-5 हज़ार गैप हैं वो भी जल निगम को अमृत में सैंक्शनड है 5,000 कनेक्शन देने के लिए, 4,500 कनेक्शन देने के लिए। तो अगर हम लोग अपना पानी सभी घर में पहुंचा सकते हैं तो फिर टैंकर या इस तरह अवैध इसकी कोई बात रह नहीं जाती है, लेकिन अगर आज की तारीख में कोई एक पैरेलल व्यवस्था बनाकर पानी सप्लाई कर रहा है और आप अपनी विभागीय व्यवस्था से नहीं दे रहे हैं और आप उसको बंद कर दें तो अल्टीमेट तो सफ़र फिर लोगों को करना पड़ेगा जिन्हें किसी तरह से पानी मिल रहा है आज की तारीख में। होनी चाहिए, मेरा तो यही विश्वास है। मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी इसकी व्यवस्था? तो अभी हम लोग लखनऊ से हम लोग के साथ ऑफिसर्स आए हुए हैं, ये वहाँ से सघन मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं इंजीनियर्स को यहाँ बता रहा था कि किसी भी जगह पे फ्लो मीटर नहीं है, यानी कि आप कितना पानी इंटेक वेल से नदी से निकाल रहे हैं
कितना पानी यहाँ एक WTP से ट्रीट होकर शहर में जा रहा है, ये फ्लो मीटर से कैप्चर होना चाहिए, तभी पता चलेगा। अदरवाइज फिर आपकी जुबान और मेरी जुबान इस तरह की बात होती है। आप कहेंगे कि हम पूरा पानी बना के दे रहे हैं पर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये तो साइंटिफिकली फ्लो मीटर में दिखना चाहिए कि हाँ आपने 26 MLD पानी बना के भेजा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर 26 MLD पानी बना के और उसको शहर में सप्लाई कर दिया गया तो किसी को बिल्कुल पानी की कमी नहीं पड़ेगी। और ये फ्लो मीटर लगाने के लिए ये चीफ इंजीनियर झांसी से आए हुए हैं, इनको हम लोगों ने बताया कि अगले हफ्ते 10 दिन में ये फ्लो मीटर लगाने की व्यवस्था बनाएं और इसका पैसा इनको दिया जाएगा। तो मॉनिटरिंग एक फ्लो मीटर के थ्रू साइंटिफिकली वहाँ से कनेक्ट करके किया जा सकता है। और दूसरा, फिर ऑफिसर्स को हम लोग लखनऊ से और जल्दी जल्दी अंतराल पर वहाँ से भेजने की कोशिश करते हैं और फिर इनके काम का क्या प्रोग्रेस है वो भी मॉनिटर करते हैं। यहाँ से जाने के बाद में जो शहर के अंदर CWR है और ओवरहेड टैंक है उन्हीं को देखने जाऊँगा कि, और उन गलियों को भी, उन मोहल्लों को भी देखूँगा जहाँ पर आप बता रहे हैं कि कभी पानी नहीं पहुँच पाता है। तो उसको देखने के बाद हम लोग एक व्यवस्था बना लेंगे कि क्या किया जाए ताकि वहाँ पानी की समस्या से निजात मिल सके। मौजूदा पे बांदा डिवीज़न को रिलीज़ किया गया, 5 करोड़ झांसी डिवीज़न को रिलीज़ किया गया, क्यों नहीं होगा? इसे बनाने में तो 40 करोड़ नहीं खर्च हो सकते हैं जी। अभी आपने बताया तो मैं चीफ इंजीनियर साहब से उस स्कीम की बात करता हूँ और वो दोनों टैंक भी देखूँगा कि क्यों नहीं भर रहे वो, अभी देखते हैं उसको चल के। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।